अगर चूक गए ना भाई साहब ये वाला पीटी तो जिंदगी भर रोगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब भी अच्छे ही होंगे। और आप सबको वैसे पहले से पता लग चुका होगा कि आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हाँ, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का पाठ्यक्रम और साथ में नोटिफिकेशन दोनों जारी हो चुके हैं। तो इसका मतलब आपके लिए अब नौकरियों के भंडार या संसार खुलने वाले हैं। और साथ में आपका जो सिलेबस रिलीज हुआ है वो एक लंबा चौड़ा सिलेबस है। तो आप में से बहुत सारे लोग भ्रमित भी किए जा रहे हैं, आपको भ्रमित कर रहे हैं कुछ लोग कि ऐसा होगा। साथ में 50,000 वैकेंसी की बात कर रहे हैं। तो 50,000 वैकेंसी की बातें अभी बाद की बात है। अखबार में आया है कि 50,000 वैकेंसी के रास्ते खुलेंगे, पर अभी कोई भी वैकेंसी नहीं आ रही है। पहली पीईटी की बात उसमें हो रही है। अब देखो, हम दो तीन चीजों पर चर्चा करेंगे कि पीईटी का फॉर्म, ये जो सिलेबस आया ये कब आया है, साथ में फॉर्म कब से भरने शुरू हो जाएंगे, उसके साथ जो आपकी एग्जाम डेट है वो कब से है, एज कब से कब तक ली जाएगी, एलिजिबिलिटी योग्यता क्या है, और साथ में सिलेबस क्या है, कितने कितने क्वेश्चन बांटे जाएंगे, और एक इंपॉर्टेंट चीज, क्या यूपीएसआई से पहले भी पीईटी देना पड़ेगा। मैं इसको यहां पर लिख लेता हूं सामने ही, यूपीएसआई पीईटी। ये क्वेश्चन मुझसे बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, तो मैं इसका भी जवाब आपको दूंगा। और साथ में हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे आज इन सब चीजों की, कि आपको किस किस तरह से क्या क्या अभी देखना है। देखो, अभी नोटिफिकेशन ऑफिशियली नहीं आया है, एक सिलेबस को बताया गया कि सिलेबस है, नोटिफिकेशन नहीं आया है। नोटिफिकेशन आता है तो पूरा का पूरा आता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, हम डिस्कस करेंगे कि जो पीईटी 2021 जो ये अभी होने वाला है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा देखते रहिए। ये पीईटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखो, एकदम क्लियर हो जाएगा। और वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करो, मैक्सिमम शेयर करो यार, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, यहाँ पे जो सिलेबस की जो रिलीजिंग डेट है वो सरकारी रिजल्ट पे दिखा रहा है, सरकारी रिजल्ट पे आप जाके देख सकते हैं। मैं भी आपको दिखा दूंगा। देखो, यहाँ पे आपको सरकारी रिजल्ट का पूरा सिलेबस ऐसे दिखाई दे रहा होगा। अब आप आपने देख भी सकते हैं, साइट पे चले जाओ सरकारी रिजल्ट वाली पे, उसमें सिलेबस वाला सेक्शन है, उसमें क्लिक करके आप ये सारा का सारा देख सकते हैं। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। तो वहां पे जब आप फॉर्म देखने जाए उसमें देखेंगे, पूरा सिस्टम देखेंगे, नोटिफिकेशन को देखेंगे, तो उसमें फॉर्म या एप्लीकेशन बिगिन कि कब से फॉर्म आ जाएंगे, कब से आप अप्लाई कर सकते हैं, वो कब से शुरू होने वाले हैं। तो यूपी ट्रिपल एस सी ने लिखा है कि नोटिफाइड सून, कि जल्दी ही उसकी तिथि घोषित की जाएगी। साथ में एग्जाम तिथि के सामने भी यही लिखा हुआ है कि नोटिफाइड सून, कि जल्दी ही आपको वो तिथि देखने के लिए मिलने वाली है। साथ में एज लिमिट को दिखा दिया गया है, एज लिमिट है 18 से 40 साल तक के जो भी युवक युवतियां हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं और अपनी दावेदारी सिद्ध कर सकते हैं। साथ में एलिजिबिलिटी यानी योग्यता क्या होनी चाहिए, तो आपने 10th किया होना चाहिए, 10th आप पास होना चाहिए, 33% मार्क्स से आपके 10th पास होनी चाहिए, यही इसकी एलिजिबिलिटी है। अब जो आपका एग्जाम होगा, जो आपका एग्जाम होगा उसकी अवधि कितनी रहने वाली है, उसकी अवधि रहने वाली है 2 घंटे यानी कि 120 मिनट आपको मिलेगा 100 क्वेश्चन को करने के लिए। कितने क्वेश्चन करने के लिए, 100 क्वेश्चन को करने के लिए आपको मिलने वाला है। और क्योंकि एक क्वेश्चन एक नंबर का है तो आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे। अब वो 100 क्वेश्चन बटे हुए किस तरह से हैं, आइए देख लेते हैं। देखो, वीडियो को पूरा देखते रहो तभी चीजें समझ में आएंगी। तो कुल मिला के ये जो है 13 सेक्शंस में बांटा गया है, पूरे सिलेबस को 13 सेक्शंस में बांटा गया है, जिसमें इतिहास है। इतिहास को, इतिहास से आएंगे देखो 5 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ पे मार्क्स के हिसाब से दिखा रखा है जो सरकारी रिजल्ट साइट है, तो 5 नंबर का आना है, यानी कि 5 क्वेश्चन आएंगे। तो 5 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, आपका प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, तो ये तीनों में से 5 नंबर का आएगा। उसके बाद दूसरा जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो भारत को आजाद करने के लिए जो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट जो मूवमेंट हुए, अलग अलग आंदोलन हुए, उनसे आपके क्वेश्चन आएंगे, क्रांतिकारी गतिविधियों से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, और 5 प्रश्न वहां से आपके पूछे जाएंगे जो 5 नंबर के होंगे। उसके बाद भूगोल से आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद अर्थव्यवस्था, जो इंडियन इकोनॉमी है, उसमें भी आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। देखो सुनो, अभी आप अभी देखो आपके साथ क्या खेल होगा, आपके साथ यूट्यूब पे क्या खेल होगा,
कि आपको ये सारे सब्जेक्ट हैं और उनकी डिटेल स्टडी आपको करवाई जाएगी कि भाई ये कोर्स ले लो, डिटेल स्टडी करवाई जाएगी, पर आपको पागल नहीं बनना है। देखो अभी तो मैं यहाँ पे सारी चीजें बता ही रहा हूं, फिर पर्टिकुलरली 2-3 दिन के अंदर अंदर ही मैं सारे के सारे सब्जेक्ट्स की डिटेल भी आपको दे दूंगा कि आपसे कितना पूछा जा रहा है। देखो जैसे मैं आपको बताता हूं, अभी अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था में जहां अभी मैंने देखा है, जो साइट पे पढ़ा हुआ है, एक पूरा परफॉर्मा टाइप पढ़ा हुआ है पूरे पाठ्यक्रम का, पूरे सिलेबस का, तो उसमें कुछ गिने चुने पॉइंट्स ही हैं जो आपको पढ़ने हैं। आपको पूरी यूपीएससी की तैयारी नहीं करनी है अर्थव्यवस्था पढ़ने के लिए, और आपको पढ़ाई सब चीज आएंगी, कोर्सेज बेचे जाएंगे, पूरे दिन दिन आपकी क्लास चला जाएगी। तो यदि आप इस पीईटी को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो राम जी की पाठशाला चैनल से जरूर जुड़े रहिए, ठीक है। तो आगे देखते हैं साथ में, और यहाँ पे देखो संविधान, संविधान से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, विज्ञान से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पे देखो विज्ञान से 5, मतलब विज्ञान में फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों से 5-5 क्वेश्चन, तो तीनों से 5 क्वेश्चन मिला के ये पूछेंगे। उसके बाद मैथ, देखो मैथ का खेल है। अब मैथ में क्या होगा, मैथ में आपको पूरा आर एस अग्रवाल ये वो सब निकलवाए जाएंगे, जबकि वहां जिक्र 5 से 6 टॉपिक का है, तो वही 5 से 6 टॉपिक करने। देखो अगर चूक गए ना वैसा भी वाला पीईटी तो जिंदगी भर रहोगे, इसलिए चुपचाप देखो, सुनते रहो, समझते रहो। तो यहाँ पे देखो गणित, गणित में 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे सामान्य हिंदी लिखा हुआ है और यहाँ पे हिंदी व्याकरण लिखा हुआ है, ये दोनों अलग अलग तरीके से लिखे हुए हैं। सामान्य हिंदी से बोल रहे हैं 5 प्रश्न आएंगे, सामान्य हिंदी से 5 प्रश्न आएंगे और हिंदी व्याकरण से आएंगे 10 प्रश्न। देखो नाम से ही पता लग रहा है हिंदी व्याकरण, यानी कि इसमें आपसे क्या पूछेगा, संधि पूछेगा, समास पूछेगा, रस पूछेगा, अलंकार पूछेगा, छंद पूछेगा, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण अव्यय उपसर्ग प्रत्यय, ये सब चीज पूछेगा आपका हिंदी व्याकरण से। यहां से 10 प्रश्न आएंगे और सामान्य हिंदी में 2 चीजें आ रही हैं, एक तो आपसे साहित्य से प्रश्न पूछेगा और दूसरा आपसे शब्दकोश से प्रश्न पूछेगा, पर्यायवाची, विलोम, समानार्थी, अनेकार्थी और वाक्यांश के लिए एक शब्द या मुहावरे, लोकोक्ति, यहां से आपसे वो प्रश्न पूछेगा। मतलब कि याद करने वाला सेक्शन उसने सामान्य हिंदी में रख दिया है और हिंदी व्याकरण में पूरा का पूरा ग्रामर उसने रख दिया है। उसके बाद इंग्लिश, भाई इसका बड़ा हुआ है, इंग्लिश में 5 क्वेश्चन आने, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। मैं अपने आप, देखो जितने भी ये सारे सब्जेक्ट हैं, छोड़ के मैथ को और रीजनिंग को, रीजनिंग की कुछ ट्रिक्स डाल दूंगा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैलेंडर की तो डाल भी रखी है, आप जाके देख सकते हैं चैनल पे, और इन सब की ट्रिक्स डाल दूंगा, और बाकी जितना कुछ है ये सब मैं करवा दूंगा, इसकी चिंता बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर आप आराम से कहीं से पढ़ते रहिए, न्यूज़पेपर से पढ़ते रहिए, कोई भी मैगजीन जो आपको अच्छी लगती है वहां से, ऑनलाइन बहुत सारी चीजें हैं वहां से आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए, ठीक है। और करंट अफेयर जो आप करेंगे वो 6 महीने से ज्यादा मत कीजिए। तो कुल मिला के इंग्लिश है, और इंग्लिश में भी क्या पूछेगा आपसे, एक तो कॉम्प्रिहेंशन जरूर पूछेगा 1-2 नंबर का, एक आपको अनसीन पैसेज दे देगा उसमें से क्वेश्चन पूछ लेगा, और 1-2 आपसे सिनोनिम पूछ लेगा, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ लेगा। तो ज्यादा पूरे के पूरे ग्रामर में घुसने की जरूरत नहीं है कि नाउन पढ़ लोगे, प्रोनाउन पढ़ लोगे, एडजेक्टिव पढ़ लोगे, एडवर्ब पढ़ लोगे, पैसिव वैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब पढ़ लोगे, तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं पर्टिकुलरली इन पे सब पे वीडियोज आपको दे दूंगा। फिर उसके बाद यहाँ पे है करंट, उसके बाद स्टैटिक जीके है जिसमें आपके देशों, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, इनसे रिलेटेड काफी कुछ है, इसमें मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपको समझ में चीजें। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा सिलेबस है जो आपसे ये पूछा जाना है। देखो इसमें क्या आपको, आपको एक चीज का डाउट आ रहा होगा, इसमें आपको थोड़ा सा एक चीज का डाउट ये आ रहा होगा कि आप इन सबको काउंट करते हो तो आपके पास 100 पूरे 100 क्वेश्चन तैयार नहीं होते हैं, और जबकि ये बात बोली जा रही है कि 100 प्रश्न के आसपास आप 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जबकि आप इन सबको जोड़ के देखोगे तो 100 प्रश्न नहीं आपको दिखाई देंगे, कुछ कम ही दिखाई देंगे। तो ये एक मोटा मोटा सा परफॉर्मा है, जरूरी नहीं है कि पूरे 5 ही क्वेश्चन आएंगे, 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे भी हो सकता है, बिल्कुल ऐसे एकदम लाइन खींच के नहीं बोलेगा। और ज्यादा क्लैरिटी इस चीज में कब आएगी, पूरी क्लैरिटी आ जाएगी नोटिफिकेशन आने के बाद, उसमें एकदम क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली वो कितने क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पता इनको सबको जोड़ेंगे इनका योग लगभग 80 के आसपास आ रहा है, जो अंक वो दिखा रहे हैं 80 के आसपास इसका दिखा रहा है, जबकि क्वेश्चन 100 बोले जा रहे हैं। तो हो सकता है कि क्वेश्चन जो है उसका नंबर ज्यादा हो, 1 नंबर से ज्यादा भी हो सकता है, जैसा मैंने पहले बोला है कि 1 क्वेश्चन 1 नंबर का भी हो सकता है, और जैसा हम सबको ये दिखाई दे रहा है तो इसमें ज्यादा का भी हो सकता है, ज्यादा का भी क्वेश्चन 1 से 1.25 का भी हो सकता है, 1.5 का भी हो सकता है, वो कुछ भी सेटिंग बिठा सकते हैं। तो वो चीज की जानकारी हमको नोटिफिकेशन में ही मिलेगी। तो ये पूरा का पूरा रहा, और ये सब चीजें रामजी की पाठशाला आपको पढ़ाने वाला है, साथ में आप और चीजें भी देख सकते हैं। अब देखो आप में से काफी लोग मुझसे पूछ रहे हैं
कि यूपीएसआई से पहले पीईटी देना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। यूपीएसआई का एग्जाम यूपी पीआरपीबी करवाता है, यानी उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड इसकी परीक्षा आयोजित करता है, और वहां पर पीईटी का कॉन्सेप्ट नहीं है। पीईटी का कॉन्सेप्ट है यूपी ट्रिपल एससी में, जो आपको ये एग्जाम देके इसके बाद अगर इसके तुरंत बाद लेखपाल की वैकेंसी आएगी, उसके बाद वीडियो की वैकेंसी आएगी, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आएगी, विभिन्न विभागों में अलग अलग बाबू की यानी कि क्लर्क्स की भर्ती आती है, तो उन सब भर्तियों के लिए ये पीईटी होगा। ये इसी तरह से होगा जैसे टीचिंग टीचर बनने से पहले एक टेट देना पड़ता है, और टेट जो क्वालिफाई हो जाता है उसके बाद जब वैकेंसीज आते हैं तो उसको बोलते हैं सुपर टेट। तो सुपर टेट में एक पैमाना खींच दिया जाता है, एक लाइन खींच दी जाती है कि टीईटी में इतने नंबर जिनके हैं वही व्यक्ति योग्य होंगे सुपर टेट देने के लिए। तो इसी तरह से आपकी एक प्रारंभिक परीक्षा ली जा रही है, इसमें आपको मैक्सिमम स्कोर करना है जितना आप कर सको। हम लोग इसमें भी डिस्कस करेंगे कि आपको कितने मार्क्स के लिए फोकस करना चाहिए, और पर्टिकुलरली एक एक टॉपिक को उठा के समझेंगे हम लोग कि क्या क्या उसका सिलेबस है। आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, साथ में ये पीईटी 2021 क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्त, अगर ये चूक गए ना आप, साल में तो दो बार होने हैं, अगली बार होगा क्योंकि इस पीईटी के बाद तुरंत यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल की भर्ती निकालेगा, जो बहुत बड़ी भर्ती होने वाली है, लगभग 6 से 7 हजार लेखपालों की भर्ती की जाएगी। और अगर आप ये पीईटी मिस कर गए किसी भी रीजन से तो आप लेखपाल की भर्ती को मिस कर जाएंगे और जिंदगी भर आप उसके लिए पछताएंगे। तो चलिए यही सब कुछ जानकारी आपके लिए मैं लेके आया था, बाकी अभी और वीडियोस भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा जल्दी ही, आज भी मिलेंगी, कल भी मिलेंगी और परसों भी मिलेंगी। तो आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूँ राम भारद्वाज, जय हिंद जय भारत।